जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आएंगे जब लोग आप पर हंसेंगे और आपको जोकर बुलाएंगे, जोकर, तब तक कि जब तक आप टूट के पूरी तरीके से बिखर नहीं जाते। आपके बुरे समय में वो आप पर हंसेंगे और अच्छे समय पे वो आपको जोकर बुलाएंगे। कौन है ये लोग? क्या ये आपको वाकई में जोकर बुला रहे हैं या आपने खुद को जोकर समझ लिया है? उस दुनिया से आप जिंदगी की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपको जीत मिले। अब हारना कोई नहीं चाहता। अरे जिंदगी की लड़ाई तो हर कोई लड़ रहा है, पर ये निर्भर करता है आप पर कि आप किस तरीके से लड़ रहे हैं। यहाँ पर बात सवाल आपके नाम की है, जो सिर्फ रह जाता है आपके जाने के बाद, जो कि अमर हो जाएगा। आपको अपने अंदर झांकना है और ये सुनना है कि ये जोकर आपको कौन बुलाता है। आप कहीं वो आप खुद तो नहीं जो आपको लगता है कि आप अंदर से खुद ही एक जोकर है? यदि आपने लोगों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी कि उनके कारण सब कुछ हो रहा है, तो आपकी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि चल रही है। क्योंकि आज भी आप उन्हीं लोगों पर निर्भर हो, क्योंकि आज भी आपको उन्हीं लोगों की पड़ी है। पर जिस दिन आपने अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू कर दिया, उस दिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको जोकर बुलाए या आप पर हंसे, क्योंकि उस दिन यही जोकर एक नया इतिहास रचेगा। सिर्फ मेरे बोलने से या सुनने से इतिहास नहीं रचे जाते। इतिहास रचना है तो अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है। ये जिंदगी कोई जंग का मैदान नहीं है, ये जिंदगी एक खेल का मैदान है। यहां आपको जीत और हार दोनों मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि मैं जीत गया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा और मैं हार गया तो मैं मर गया। सोच आपकी इस पर निर्भर करेगी कि आप अपनी जीत और हार से क्या सीखते हैं। क्योंकि आपकी हार तब होगी जब आप एक बार गिर के आप वापस नहीं उठेंगे, और आपकी जीत तब जरूर होगी जब आप दो बार तीन बार गिर के भी और वापस उठेंगे। क्योंकि बहुत से लोग एक बार गिरने पर या बहुत से लोग एक बार हार जाने पर वो ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ जा चुका है, मैं यह सब कुछ खो दिया है। पर वहीं आप बार बार उठ के अपने आप को उन लोगों को साबित करना है कि हाँ, मैं या ये जोकर इतिहास रचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या बुलाते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या सुनते हैं। हर एक महान इंसान को उसके महान बनने से पहले उसको जोकर बुलाया जाता था, पागल बुलाया जाता था, पर बाद में लोगों को ये मानना पड़ा कि वो क्या है। हर महान इंसान को पता था कि वो पहले क्या था। क्या आपको पता है आप कौन है? हर महान इंसान को महान बनने के बाद पता था कि वो शुरुआत कहां से की, वो पहले क्या था। क्या आपको पता है कि आप कौन है? क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप कौन है, तो ये दुनिया आपको ऐसे ही जोकर बनाती रहेगी। और सच तो ये है कि दुनिया नहीं, आप अपने आप को खुद ही जोकर बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठिए, जागिए और इनकार कर दीजिए जोकर बनने से। अगर मैं ये कहूँ कि कोई मुझसे कहे कि 8 घंटा मेहनत करता करने से ही सफलता मिलती है, तो मैं 10 घंटा करूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर इस खेल के मैदान में मैं सबसे आखिरी खिलाड़ी क्यों ना हूँ, मैं उनको सबसे पहला बन के दिखाऊंगा। कोशिश तो कर सकते ना, आखिर जिंदगी आपकी है। आपको डिसाइड करना है कि ये दुनिया आपको किस नाम से कह के बुलाए। मैं दोस्तों देवेंद्र अग्रवाल और एसर टेलीकॉम की तरफ से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया हो और इस वीडियो से मेरे दिल के तार आपके दिल के तार तक मिले हों। और मैं ये हमेशा कहते आया हूँ कि जितना हो सकता है उतना ही मैं ये चीज़ फैलाता हूँ, और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट और यही चीज़ मैं सारे फॉलोअर्स या जो मुझे देखते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर मैं रात के 2:30 बजे बैठ के वीडियो बना सकता हूँ, अगर मैं रात के 2:30 बजे बैठ के काम कर सकता हूँ एज अ बीन टीचर या एज अ बीन मोटिवेटर होके, तो आप क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।